गाइस तो हम जा रहे हैं नए जॉर्डन लेने के लिए, क्योंकि इसको कल सेलेक्ट सिटी में नहीं मिले। और हमें कल कहीं जाना है, बहुत स्पेशल जगह। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में जब जो प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता था, शायद वो कल सक्सेसफुल। प्लान्स बनते रह जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। कल हम लोग वहीं जाने वाले हैं, तो आज इसके थोड़ी शॉपिंग करने जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ पर से क्या लेना है हमको, फर्स्टली लेना है इसके नाइकी के जो शूज है वो चेंज करवाना है थोड़े बहुत, मुझे भी कपड़े वपड़े देखने, इसको बेल्ट लेनी है, और कुछ और ही चाहिए दोस्तों के लिए, टी शर्ट कुछ और ही चाहिए, वो दिलाएंगे इनको। गोवा तो पहुँचने दो, नई नई जगह ले आते हैं, पता नहीं है कहाँ जाना है, ठीक है, हमेशा ढूंढना पड़ता है दोस्तों, हमेशा ढूंढ रहा हूँ नाइकी दोस्तों, नाइकी eventually बोला ये तो रहा। अरे यार सिर्फ लोगो है, लिखा भी लिखा होना चाहिए ना भाई। अब इसके सामने से निकले दोस्तों, एक साथ कितने काम करने हैं यहाँ पर, पता व्लॉग अपलोड चल रहा है, ठीक है, यहाँ में शूज भी चेंज करवाने हैं, नेट भी खत्म हो चुका है उसमें, अभी नेट भी डलवा रहा हूँ अभी, और ये नाइकी के शोरूम में आए गए कम से कम। यहाँ पे जॉर्डन नहीं है, हम लोगों को बताया गया कि एम्बियंस में जॉर्डन मिल जाएगा, तो लेट्स सी, एक बार वहाँ भी चेक कर लेते, जब इतना मेहनत हो ही गई थी, सफलता की सीढ़ी ऐसी नहीं मिलती दोस्तों, ढूंढ नहीं पड़ती। बोले मैंने कहा ये बढ़िया लगी, सब लोग अभी चल दिए तुरंत एम्बियंस मॉल, बोला मैंने अभी संतोष रहता यार, मैं नहीं जाऊँगा यार, अब नहीं यार, अब मूड नहीं है यार, पता नहीं है यार, बंद हो गया यार। मीनवाइल भाई फुल जा रहे हैं इधर उधर, अभी हमें लगा ये बस है, अगर ये बस होती ना, मां कसम खा रहा हूँ भाई, मां कसम खा रहा हूँ, अभी वापस रिटर्न टिकट कराता, चले जाता घर वापस, ठीक है समरिया। हेलो दोस्तों, पहुँच गए एम्बियंस मॉल, ये है शोरूम। अब यहाँ नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, नाइकी के साथ दोस्ती कट्टी। अच्छा देखो यहाँ पर इतने सारे शूज है, पर मुझे तो पता ही नहीं है जॉर्डन क्या होता है, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। येलो जी जी भाई मिल गया है। ओके दोस्तों, नाइकी की शॉपिंग हो गई है दोस्तों, पिछली बार नाइकी से फ्रेंडशिप कैंसिल हो गई थी, फिर से नाइकी इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब सिर्फ नाइकी के जूते पहनूंगा। जी हाँ दोस्तों, स्केचर तो भूल गए, स्केचर भूले संदे जूते। आज पता नहीं है मॉल में पता नहीं क्या हो रहा है, अभी नीचे एक आंटी थी वो इनसे पूछती है कि शॉप में काम करते हो, इन्होंने हाथ में नाइकी का ऐसे शॉपिंग बैग भी पकड़ा फिर भी पूछ रही है भाई यार, इन दोनों का अभी इनको सेल्फ डाउट हो रहा है। अभी H&M में हम लोग खड़े थे, एंड एक अंकल हमें जो मतलब यहाँ के स्टाफ थे वो ऐसे घूर के देख रहे हैं, अंकल हैं वो क्या हो रहा है भाई, पता नहीं क्या देख रहे हैं ऐसे घूर के, चोरी करके ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, आधे घंटे से लिटरली जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो हमने भी सोचा थोड़ा सा प्रैंक कर लेते हैं उनके साथ। हाँ अभी अभी बिल करा के हम दौड़ के भाग जाएंगे भाई, वो भाग गए, वो भाग गया यार अंकल। अरे यार ये चेन तो डीली होगी, डीली होती है यार वो। चलो दोस्तों अब निकलते हैं सीधे, ऊपर चलते हैं सीधे। 12 o'clock midnight. अभी देखो कौन प्लाजा में आ रहे हैं, ठीक है, और इसको कौन मिल गया। अब हम जाएंगे अंदर, क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत भूख लग गई है, ठीक है, तेरे को भी लगी ना, मेरे को तो बहुत प्यास लगी है। The next day. Okay guys, आज के इस ब्लॉग में हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गोवा। इधर हमारी पैकिंग हो चुकी है, अभी 1 से 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है, और पैकिंग वैकिंग सब कर दिया मैंने अभी जस्ट। अबे भयंकर, तुम लोग तैयार तो हो जाओ भाई, भाई अभी तक सो रहा है, अभी आधे एक घंटे में फ्लाइट है, तो सब लोग अभी बाथरूम में तैयार व्यार हो रहे हैं भाई, लेट हो जाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है। तो गाइस सबकी पैकिंग हो चुकी है, यहाँ पे सब हो चुके हैं रेडी, और अब हम निकलने वाले हैं गोवा के लिए भाई, नीचे कैब भी आ गई है, मजा आएगा सीरियसली, बहुत मजा आने वाला है 7 दिन। प्रीतिश भैया ओके गाइस हम पहुंच गए, ठीक है यहाँ पे, ओके टाइम पे पहुंच गए, टाइम से पहले पहुंच गए, लेट्स सी कैसा होता है हमारा सफर आज का। हमारे बाकी के जो टीममेट्स हैं वो किधर है, किधर है वो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर ना पीछे हमें भाई मिले हैं कोरिया, तो मन कर रहा है कि चलते हैं कोरिया, है ना, कोरिया चलते हैं इनके साथ, इसने तो बात कर भी ली है, निखिल ने तो बात भी कर ली है। यार राहुल भाई तुम तो कोरियन लग रहे हो यार, मैं नहीं लग रहा, हाँ वही तो, क्या बात कर रहे हैं। टिकट्स हो चुके हैं सबकी, और अब निकलते हैं आप दोस्तों। अभी तक हम बोलेंगे नहीं कि प्लान सक्सेसफुल है, क्योंकि अब तक हम प्लेन में बैठे नहीं हैं, जब हम हवा में होंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि 50% हो जाए। निहाल भाई क्या फ्लाइट मिस हो रही भाई मेरी, भाई जाओ हम तो चिल मामला है हमारा, कोई नहीं आएंगे, फ्लाइट डिले करवा देंगे दोस्तों, फ्लाइट रोक देंगे, खरीद लेंगे। तो गाइस हमारे इस वीडियो के बाद 31 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक 31 मिलियन हो जाएंगे, तो थैंक यू सो मच 31 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए, एंड आई लव यू गाइस, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहो कुछ भी। तो गाइस फाइनली हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब हम निकल चुके हैं अंदर की ओर, लेट्स गो। व्हाट्सअप ब्रो कब सिर्फ पीना पड़ा दोस्तों, ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मेरा मूड खराब।
थक चुका हूँ दोस्तों जिंदगी से, ये तो हार चुका है दोस्तों, ठीक है इसने तो जिंदगी छोड़ ही दी है। बस अभी बोर्डिंग का टाइम है, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है, हम चिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहन जो पहली बार आ रहे हैं। भाई यार इसका गजब हो रखा है, ये तो घूमता रहता है, हमारा तो पहली टाइम है ना दोस्तों। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर सीट नहीं मिल रही है, ये पीछे से धक्के मारे जा रहा है, ठीक है हाथ धो गए इसके लिए। कॉफ़ी पीते पीते इधर ब्लॉग आई मीन शॉर्ट्स एडिट हो रहा है भाई, तो हमें यहाँ भी काम नहीं छोड़ना, काम तो होता रहेगा क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट है यार, क्या करेंगे बोर हो रहे हैं, मुझे नींद तो आ नहीं रही है। काम के साथ साथ गोवा पहुँच रहे हैं दोस्तों, यार मेरी पहली फ्लाइट है और ठीक है और नाइट व्यू देख पा रहा हूँ मैं, मन कर रहा है कि मॉर्निंग का होता तो ज़्यादा अच्छा लगता ना, तो हम भी क्या है हम भी अद्भुत आदमी, हम यहाँ अपने ड्रोन शॉट देख रहे हैं दोस्तों। पता नहीं ऐसा क्यों होता है दोस्तों हमारे साथ, कभी भी हमारा बैग टाइम पर नहीं आता। वेटिंग फॉर बैग गाइस। ओके गाइस हमें कौन मिल गया, क्या नाम है भाई तुम्हारा? राजवीर। राजवीर राजवीर मिले हमें यहाँ पे गोवा एयरपोर्ट पे उतरते ही, इन्होंने स्वागत किया है आपका। तो हम आ चुके हैं गोवा और अब हम लोग कैब से जा रहे हैं अपने Airbnb पे, जहाँ पे हमने विला ले रखा है। बॉडी दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ है गर्मी और आज पहला दिन है तो मतलब मजा आने वाला है यहाँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही थी, यहाँ मस्त गर्मी है, मजेदार मौसम है यहाँ पे। ओ शिट दोस्तों ये देखो एकदम हरे भरे जंगल के बीच में है हमारा विला, ये रहा ठीक है। सुबह देखना मॉर्निंग में देखना है इसका तहलका, और अभी देखो बहुत मन था स्विमिंग पूल में नहाने का, बट द थिंग इज कि मना कर दिया है अभी रात को नहाने के लिए, तो मॉर्निंग में सुबह छेती उठ के सीधे यहीं कूद छलांग मारेंगे। अभी जस्ट हम लोग आए हैं, तुम्हें दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या कितने रूम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले सामने एक हॉल है विला में, डाइनिंग है, यहाँ पे टीवी भी रख दे रखा है इन्होंने बहुत बड़ा, आए हुए सब कुछ लगा हुआ। इधर है हमारा किचन में भी काफ़ी सारा सामान है, बट हमें खाना बनाना तो आता नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों चलते हैं हम अपने एक पहले कमरे की ओर। और हमारा पहला कमरा है ये, वाह यार कितना सुंदर सा छोटा सा कमरा है भाई, यहाँ लिटरली बहुत गर्मी है। ऊपर का कमरा देखो दोस्तों, ये है हमारा पहला कमरा, ये है बाथरूम वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, एंड ये दूसरा कमरा है सबसे बड़ा कमरा। अंकल देख लेंगे, अरे अरे भाई डोरेमोन की पॉकेट है दोस्तों, अब मैं भी जाके उस कूड़ेदान में से कुछ निकाल के लाऊंगा।